हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 89 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पहले अध्याय के 41वें श्लोक से। पहले मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं। संकर नरकाय एव च कुलघ्राणाम कुलस्य च पतंती पित्र ही एशाम लुप्त पिंडक उदक क्रिया। हिंदी में सरला दिया श्री प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद की जय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहां पर अर्जुन जी अपनी जो चिंता है कि अगर कुल के बड़े लोग मारे गए तो जिससे अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैलने से पुरुष अधर्मी हो जाएंगे, फिर उनको फॉलो करने से स्त्रियां अधर्मी हो सकती हैं, इससे फिर जो बच्चे होंगे वो भी अधर्मी होंगे और वो शायद धर्म की क्रियाओं को फॉलो नहीं करेंगे, तो यानी कि जो पिंड श्राद्ध आदि जो क्रियाएं हैं वो भी बंद हो जाएगी, और उससे इम्पैक्ट ये तक आ सकता है कि जो पितर हैं यानी कि फोर फादर्स, जो दादा परदादा परदादा के दादा एंड ऑल दैट, जो पितर लोकों में हैं वहां तक जो श्राद्ध के दिनों में पिंड और जल आदि जो दान पूजा की जाती है वो भी नेचुरली जब वो नहीं करेंगे, जब अधर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी गिर सकते हैं। तो यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि अर्जुन कितना सोच रहे हैं सबके बारे में। अब ध्यान से देखेंगे हर श्लोक में वो समाज के हर हिस्से के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के हर हिस्से के बारे में सोच रहे हैं, है ना। वो सोच रहे हैं कि कुल के अगर प्रमुख मारे जाएंगे तो अधर्म फैल जाएगा, फिर उसका प्रभाव अन्य पुरुषों पर क्या होगा, फिर उसका प्रभाव स्त्रियों पर क्या होगा, उसका प्रभाव बच्चों पर क्या होगा, फिर एक तरह से डिसेंडिंग के बाद अब वो असेंडिंग के ऊपर चले गए कि दादा परदादा जो और हैं पितर वो गिर जाएंगे। कितना सोच रहे हैं अर्जुन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भी। अगर मान भी लें कि उनकी दृष्टि में वो एक पाप भी है, तो एक पाप करने के लिए भी वो कितना सोच रहे हैं। अगर मैं मान लूं, मैं कह रहा हूं ये पाप नहीं है, भगवान इस बात को प्रूव करेंगे कि ये पाप नहीं है, बट अर्जुन फिलहाल ही सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने कुल का नाश कर देता हूं, अगर मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करके अपने जो डिफरेंट हेड्स ऑफ द फैमिलीज हैं उनको मैं मार देता हूं तो ये एक बहुत बड़ा पाप होगा। तो पाप करने से पहले भी अर्जुन कितना सोच रहे हैं, चारों दिशाओं में सोच रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो किसी भी तरह का कोई भी पाप करते वक्त सोचते ही नहीं कि अगर मैं आज ये पाप करूंगा तो इसका मेरी पत्नी पर क्या प्रभाव होगा, मेरे बच्चों पर क्या प्रभाव होगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वहां के बाकी के एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे, मैं जिस समाज में रहता हूं मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शायद वो सोचते ही नहीं। यही एक भक्त में और साधारण पुरुष में फर्क है। एक भक्त होने के नाते अर्जुन अव्वल तो पाप करना ही नहीं चाह रहे, और अगर उनसे ये पाप होना भी है, अगर उनकी दृष्टि में, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, तो वो चारों दिशाओं में सोच रहे हैं, है ना। और ये भी अर्जुन जानते हैं अच्छे से कि हमारे जीवन में हम या तो आध्यात्मिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो 50% आध्यात्मिक होना और 50% भौतिक होना, ये कुछ अजीब सी स्थिति हो जाती है ना। मतलब एक आदमी अगर ऐसे समझ सकते हैं कि माला भी कर रहा है, वो उसको सही मानता है, जानता है, पहचानता है, और वो मंदिर भी जाता है, सब भक्ति भी कर रहा है, साथ में वो जुआ भी खेलता है, नॉन वेज भी खाता है, वो बात अलग है कि कई जगह इस तरह से मेंशनड है जो सही भी है कि धीरे धीरे भक्ति की भावना उसके अंदर डेवलप होती है और वो इस बात को समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी जो गलत एक्टिविटीज हैं वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर एक आदमी सब कुछ जानने बूझते समझने के बाद भी सालों साल बीतने के बाद भी इन एक्टिविटीज को करता रहे, और रादर ये सोचे कि भाई मैं जो अध्यात्म कर रहा हूं उससे जो मेरे पाप है वो भी कट रहे हैं, तो ये कितनी गलत सोच है ना। कोई भी व्यक्ति थोड़ा अधार्मिक नहीं हो सकता है। यहां पर अर्जुन को यही चिंता हो रही है कि अगर अधर्म फैलता है थोड़ा भी तो उससे कितना प्रभाव होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा थोड़ा अधर्म भी एक्सेप्टेबल एक्चुअली नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और दुकानदार आपको बोले जी वैसे सब कुछ ठीक है बस ये थोड़ा सा क्रैक है, ये कभी कभी थोड़ा सा चलना बंद हो जाता है ना,
सोच के देखिए अगर ऐसा हो तो, अगर आपको कोई इंप्लॉय रखना हो या कोई रिलेशनशिप, मैं तो कहता हूं चलो शादी करनी हो सपोज, और पता चले कि जो सामने वाला पार्टनर है वो थोड़ा सा पागल है, तो क्या आप शादी कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा, जब थोड़ा सा पागल या कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा क्रैक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अधार्मिक कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? तो यही अर्जुन की चिंता है कि थोड़ा भी अधर्म अगर समाज में फैला तो वो एक तरह से पूरा अधर्म के बराबर ही हो जाएगा, और इसलिए वो कोई भी कमी या कोई भी एक तरह से लूज पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसको यही डर लग रहा है। वो जानता है अच्छी तरह से कि जो अवांछित संतानें हैं वो अवांछित पौधों की तरह से हैं, वो दूसरों को भी खा जाएंगी। अब दुर्योधन का एग्जाम्पल देख लीजिए, जब वो पैदा होने लगा था तभी सबने बता दिया था कि एक अवांछित संतान के समान है, यही हुआ ना, वो अपने 100 भाइयों को साथ में लेके डूब के मरा, राइट? और भी एक चीज आप सोचिए कि जब अधर्म फैलता है तो बेसिकली पल्यूटेड क्या होता है, जो हो रहा नहीं, अबे बार बार दूषित हो जाएंगी स्त्रियां, दूषित हो जाएंगी पुरुष, दूषित हो जाएंगे। तो यह दूषित क्या है? ये दूषित है मन, माइंड पोल्यूशन। आज देखिए कि दुनिया में एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन पे भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट होता है, माइंड पोल्यूशन तो शायद एक सब्जेक्ट ही नहीं है दुनिया के दिमाग में, कि भाई मन में भी प्रदूषण होता है, और ये मन का प्रदूषण ही दुनिया भर के पाप लोगों से करवाता है। और अर्जुन इस समय इस मन के प्रदूषण पर चिंता कर रहे हैं, और उनको ये चिंता है कि कैसे इससे बचा जाए। वैसे आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आज ही आप एडॉप्ट कीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी श्लोक पर अभी चर्चा हम जारी रखेंगे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।